हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने SFMA चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये चैप्टर न्यू कोर्स में भी है, ओल्ड कोर्स में भी है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। तो अब चलिए इस चैप्टर की रेलिवेंसी देखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड कोर्स में ज़्यादा नहीं होती है, बट न्यू कोर्स में पिछले कुछ अटैम्प्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर आई सी आई ने रखा है। जैसे जैन वाले अटैम्प्ट में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें 88 मार्क्स के आई सी आई ने, जबकि इतना ये डिजर्व नहीं करता है। इसका हम रिवीजन करते हैं फटाफट से। सिंपल चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस चैप्टर में सबसे जो मेजर टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर का नाम देखो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो करना है बट इंटरनेशनल लेवल का। आपके सब्जेक्ट का नाम भी है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वही चीज़ इस चैप्टर में आप देखने वाले हो इंटरनेशनल लेवल की। तो यहाँ पर इसका इस चैप्टर का दूसरा नाम होता है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। दूसरा नाम इस चैप्टर का जो जनरल लैंग्वेज में यूज़ में लिया जाता है वो है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, यानी इस चैप्टर में सिर्फ आपको कैपिटल बजटिंग पढ़नी है। तो न्यू कोर्स SFM में क्या है, कैपिटल बजटिंग का अलग से ICAI ने चैप्टर नहीं रखा है। तो कैपिटल बजटिंग आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, वही कैपिटल बजटिंग को बेस बनाते हुए बस अब इंटरनेशनल लेवल की कैपिटल बजटिंग करनी है। यानी हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट रिवाइज करेंगे कैपिटल बजटिंग के, जितने अपने लिए फाइनल न्यू कोर्स में इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है। टोटल कंसेप्ट नहीं देखने कैपिटल बजटिंग के, पहले बता रहा हूँ, कुछ लिमिटेड कंसेप्ट अपने अप्लाई होंगे वही अपन देखेंगे। और इंटरनेशनल लेवल की ये कैपिटल बजटिंग है तो सिंपल सी बात है, एक चैप्टर का इसमें मिक्स आएगा जो कि होगा फॉरेक्स चैप्टर। फॉरेक्स चैप्टर के कुछ कंसेप्ट अपने मिक्स हो जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की कैपिटल बजटिंग है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे इंटरनेशनली कुछ काम हो रहा है तो फॉरेक्स तो आना ही आना है। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के टॉपिक से ही। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हम समझते हैं, हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे एंटिटी क्या करेगी। कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि मैं आज फूड एंड बीवरेजेस के बिजनेस में हूँ, मुझे होम अप्लायंसेस के डिवीज़न में जाना है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं उस प्रोजेक्ट को लगाऊँ, उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो ये होता है कैपिटल बजटिंग, क्या नई मशीन खरीदूँ नहीं खरीदूँ। आप मार्केट में जाके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर्सनल पर्पज़ से खरीदते हो तो भी आप कैपिटल बजटिंग करते हो। आप अलग अलग कंपनीज़ के ब्रांड के मोबाइल या लैपटॉप देखते हो, उनकी प्राइसिंग देखते हो, उनके फीचर्स देखते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हो कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कैपिटल बजटिंग हर जगह करी जाती है, तो वही चीज़ अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करनी है। अब इंटरनेशनल लेवल की करनी है तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ में लेके हम कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं। यानी मैं एक इंडियन कंपनी हूँ और मैं अमेरिका में जाके प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, या फिर एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, तो उस केस की अपने को कैपिटल बजटिंग इस चैप्टर में सीखनी है, वो कैसे होगी। तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या है डिसीजन लेने की, कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, उसकी टेक्निक्स क्या क्या है। तो सबसे पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड, सबसे फेमस मेथड NPV मेथड। इसमें क्या करो, आप जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट से आपको फ्यूचर में जितने भी कैश इनफ्लोज मिलेंगे उनका PV कर लो, और इस प्रोजेक्ट में जितना भी आपका खर्चा होने वाला है, जो कि जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होता है, 0 टाइम पे ही खर्चा होता है, बाद में तो जो रेगुलर खर्चे होते हैं उनकी तो अलग बात है, मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल टाइम पे होता है। तो जो भी खर्चा होगा, आउटफ्लो होंगे कैश के आउटफ्लो, उनका PV कर लो, उसका नेट कर दो। इनफ्लो का PV माइनस आउटफ्लो का PV ये माइनस कर दो, नेट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो NPV पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा, एक्सेप्ट कर लो। नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट में NPV नेगेटिव है, हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जनरली क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अमेरिका में प्रोजेक्ट लगाना है तो 1 करोड़ रुपए की तो मुझे मशीनरी फैक्ट्री वगैरह ये सब लेनी पड़ेगी, तो 1 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। चलिए इसके बाद दूसरा मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR मेथड। क्या होता है, ये होती है आपके प्रोजेक्ट से आपको कितनी रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है, आपके प्रोजेक्ट से आप कितना कमा रहे हो वो रिटर्न होती है, ठीक है। एक बिजनेसमैन हूँ मैं एक मशीन खरीदता हूँ 10 लाख रुपए में, उसको आगे 12 लाख रुपए में बेच देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है इस प्रोजेक्ट में, 20%। 10 लाख की चीज़ 12 लाख में बेच रहा हूँ, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यानी 20%। ये जो कंसेप्ट है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक ऐसे नहीं पूछा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, और आगे भी मुझे नहीं लगता इसमें चांसेस कमी है इस पे क्वेश्चन पूछने के, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हो बहुत काम का कंसेप्ट है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है क्या चीज़ होती है। इसके बाद IRR को हम समझते कहते हैं कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जिस पर मेरे प्रोजेक्ट की NPV है वो 0 हो जाए, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो, कि मेरे को इस प्रोजेक्ट से मिनिमम कितनी रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, अब मैं बोलूँ इस मशीन से मेरे को मिनिमम कितना पैसा कमाना है, मिनिमम अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे ना वो ये बोलेगा यार बस मैंने ये 10 लाख में खरीदी है, कम से कम बस 10 लाख रुपए तो वसूल हो जाए, इसके बाद की बात बाद में देखेंगे, पहले बस 10 लाख वसूल हो जाए जो कॉस्ट लगी है। तो मिनिमम रिटर्न हमारी जनरली क्या होती है, जो हमने खर्चा किया है। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, IRR पता करनी है, IRR क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो कैसे आएगी, मैंने जो खर्चा किया PV ऑफ आउटफ्लो,
और फ्यूचर में जो इस मशीन से इनफ्लो मिलेंगे उनका पीवी कर लूँ, तो फ्यूचर के इनफ्लो का पीवी किस रेट से करूँ ताकि वो जीरो टाइम के आउटफ्लो के बराबर आ जाए। फ्यूचर के इनफ्लोस का पीवी ऐसी रेट से करूँ ताकि वो जीरो टाइम के आउटफ्लो के बराबर आ जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं IRR, रेट एट विच पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो। यानी जहां पर पीवी ऑफ इनफ्लो पीवी ऑफ आउटफ्लो के बराबर होगा तो बताओ वहां पे एनपीवी क्या होगी, इनफ्लो और आउटफ्लो जब बराबर हो जाएंगे तो एनपीवी जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, IRR कैसे निकाली जाती है, ट्रायल एंड एरर मेथड से। आप रेट सेलेक्ट करते रहो, कैलकुलेशन कर करके देखते रहो। अगर इंटरपोलेशन की रिक्वायरमेंट है तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत बार ये फॉर्मूला डिस्कस हो चुका है, मैंने अलग अलग वीडियोज में बहुत बार किया है। तो IRR का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। इसके पीछे लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो कि फुल लेक्चर्स में डिस्कस होता है, और इसके अलावा भी यूट्यूब पर भी मैंने बहुत वीडियोज में अलग अलग बार इसे डिस्कस किया है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन। IRR का डिसीजन कैसे लिया जाता है, अगर IRR आपकी प्रोजेक्ट की रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो सिंपल सी बात है एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट, IRR कम है कॉस्ट से, कॉस्ट है मेरी मान लो 10% और मेरे को रिटर्न जो मिल रही है प्रोजेक्ट से वो मिल रही है 8%, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दो, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है आपकी, मेरी कॉस्ट 10% IRR भी 10% दोनों इक्वल है, यानी प्रोजेक्ट इनइफेक्टिव है, पैसा लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी नहीं होगा नुकसान भी नहीं होगा, इन डिफरेंस पॉइंट। चलिए इसके बाद थर्ड डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जिस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मॉडिफाइड NPV, MNPV क्या होती है, MNPV कुछ भी नहीं है, NPV ही है बस, वो थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी। मॉडिफाई कैसे, मतलब जो भी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ लाइफ जो भी मैंने प्रोजेक्ट लगाया उससे मुझे ड्यूरिंग द लाइफ जो भी कैश फ्लो मिलेंगे हर साल उन्हें मैं वापस री इन्वेस्ट करता हूँ, ये हमारी अजम्पशन होती है। ठीक है, तभी NPV निकलती है। हम क्या अजम्पशन करते हैं कि वो कैश फ्लो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होते रहते हैं, बट MNPV निकालते टाइम हम दूसरी अजम्पशन लेंगे, हम क्या अजम्पशन लेंगे कि जो हमारे कैश फ्लो री इन्वेस्ट होंगे ना वो एक अलग डिस्काउंटिंग रेट पे होंगे। फॉर एग्जांपल मेरी डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तो हम एनपीवी निकालते टाइम ये अज्यूम करते हैं कि वो 10% पे रीइन्वेस्ट हो रहे हैं, उस केस में हमारी एनपीवी सेम ही आती है, कैसे भी निकाल लो, हम दूसरा टेक्निक उसमें लगाते नहीं है। बट मॉडिफाइड एनपीवी के केस में अपन क्या अज्यूम करते हैं कि एक प्रोजेक्ट है 5 साल की लाइफ है, हर साल के एंड में मुझे 1-1 लाख रुपए का इन्फ्लो मिलने वाला है, मैं क्या करूँगा, हर साल जो एंड में 1-1 लाख मिलेगा उससे वापस से मार्केट में रीइन्वेस्ट कर दूंगा टिल दी एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी 5th ईयर के एंड तक, और किस रेट पर, डिस्काउंटिंग रेट के अलावा कोई भी रेट पर, डिस्काउंटिंग रेट है 10%, मैंने उनको मार्केट में रीइन्वेस्ट कर दिया 15%। इस केस में एनपीवी मुझे अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी, जिसे बोला जाता है मॉडिफाइड एनपीवी। इस केस में एनपीवी कैसे निकलेगी, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या मुझे फर्स्ट ईयर में मिला, मिला तो सही पर मैंने रीइन्वेस्ट कर दिया टिल 5th ईयर एंड, सेकंड ईयर का भी टिल 5th ईयर एंड कर दिया, 3rd ईयर का भी, 4th ईयर का भी, और 5th ईयर एंड में जो मिलना था वो तभी मिल जाएगा। तो टोटल कैश फ्लो कब मिलेगा मुझे, 5th ईयर के एंड में, और जो स्टार्टिंग ईयर्स के जो मैंने रीइन्वेस्ट करे थे वो मुझे विद इंटरेस्ट मिलेंगे। तो टोटल कैश फ्लो मिलेगा मुझे 5th ईयर के एंड में, कैश इनफ्लो मिलेगा 5th ईयर के एंड में, उसका पीवी किससे करूँगा, 5th ईयर के पीवी फैक्टर से, वही मैंने किया कैश फ्लो एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट 1+ डिस्काउंटिंग रेट की पावर टी, जो भी एंड ऑफ प्रोजेक्ट है उससे पीवी कर लूँगा तो आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लो, इसमें से पीवी ऑफ आउटफ्लो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी एनपीवी। बस इसका नाम MNPV क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक अजम्पशन बदल रही है कि हम कैश फ्लो को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं एक अलग डिस्काउंटिंग रेट पर, एक अलग रेट पर हम रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है MNPV का, इसमें कैश इनफ्लो एक ही होगा ईयर के एंड में, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट के एंड में होगा सारा कैश इनफ्लो। MIRR क्या है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे MNPV था सेम वैसे ही MIRR है। IRR क्या होती है, नॉर्मल कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है उनका पीवी बराबर हो जाए ऐसी रेट। MNPV क्या होगी, MIRR क्या होगी, ऐसी IRR, ऐसी रेट जिस पे MNPV जीरो हो जाए। IRR पे क्या होती थी, IRR पे हमने पढ़ा था NPV जीरो हो जाए, और MIRR क्या बोलती है, MNPV जीरो हो जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी जो कैश इनफ्लो होगा टर्मिनल वो सिंगल ही होगा एक, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, उसका हम PV करेंगे वो कैश इनफ्लो, यह आ गया PV ऑफ कैश इनफ्लो टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाय 1+ R की पावर टी। और PV ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इक्वल टू में रख दिया मैंने। ठीक है, यही तो ऐसी तो डिस्काउंटिंग रेट है जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाएं, वो मैंने कर दिया, इसी फॉर्मूला से मैंने डिराइव कर दिया MIRR का फॉर्मूला। R मैंने कैलकुलेट कर दिया, R इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट अंडर रूट की पावर टी माइनस 1। IRR ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलती है, बट MIRR डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकल सकती है। इसके लिए कोई आपको अलग से कैलकुलेशन ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना, बट डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, आपकी MIRR कैलकुलेट होके आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि कैपिटल बजटिंग में डिसीजन कैसे कैसे किन किन टेक्निक से किन किन मेथड से हम ले सकते हैं। इन मेथड्स में अगर आप कुछ पॉइंट्स कॉमनली ध्यान से अगर आपने फोकस किया होगा तो क्या चीज़ों की जरूरत है, डेटा क्या क्या चाहिए आपको, वो डेटा ही निकालना बंद देख रहे हैं। एक तो सर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो सब में यही आ रहा था, तो हमें क्या क्या चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए, कैश आउटफ्लो चाहिए। ठीक है सर, यानी कैश फ्लो हमें चाहिए।
दूसरा डेटा क्या चाहिए, पीवी करना है सर। इनका पीवी करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट। यानी दो डेटा की रिक्वायरमेंट है, फिर कोई सा भी मेथड हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो निकालना सीखते हैं, फिर डिस्काउंटिंग रेट निकालना सीखेंगे। तो कैश फ्लो निकालना सीखते हैं कैसे निकलेगा। ये ऑलरेडी मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में सिखा चुका हूँ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में भी अपन देखते हैं, जिसका रिविजन वीडियो अभी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो अभी इधर समझ लेते हैं कैश फ्लो कैसे निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैश फ्लो भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो निकालेंगे, हमेशा याद रखना है कैपिटल बजटिंग में जब तक कुछ ना बोले आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो निकालें, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं क्या ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं देखना चाह रहे इक्विटी वालों को क्या फ़ायदा होगा या फिर इक्विटी प्रेफरेंस वालों को क्या फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमें तो प्रोजेक्ट की वैल्यू देखनी है, प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं है। यानी पूरे फर्म, पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैश फ्लो निकालने हैं, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या फिर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू बोलो। यानी हमें क्या निकालने हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, FCFF, यानी इक्विटी प्रेफरेंस और डेट, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैश फ्लो में भी दो चीज़ें होती हैं, एक आउटफ्लो और एक इनफ्लो। तो सबसे पहले आउटफ्लो समझते हैं। कैपिटल बजटिंग में आउटफ्लो क्या होगा, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पैसा होगा। सपोज अमेरिका में प्रोजेक्ट लगाना है तो मुझे 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, ये 1 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये 1 करोड़ रुपए मैं 50 लाख इक्विटी शेयर से ला रहा हूं, 30 लाख प्रेफरेंस शेयर से, 20 लाख डेट से, इससे मतलब नहीं है। तीनों से मिलकर कितना पैसा आया, 1 करोड़, ये इन्वेस्ट होगा, ये आ जाएगा मेरा आउटफ्लो। इसके अलावा आउटफ्लो में एक और चीज आती है, 1 करोड़ रुपए मैंने बिल्डिंग वगैरह मशीनरी वगैरह सब तैयार कर दी, क्या बिजनेस चालू हो जाएगा तुरंत? नहीं, बिजनेस चालू करने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए और भी सारे सप्लायर से सामान भी खरीदने पड़ेंगे, तो यानी वर्किंग कैपिटल भी लगेगी। तो इनिशियल मैंने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए अमेरिकन यूनिट को, मेरी अमेरिका में जो मैंने यूनिट लगाई उनको बोला ये 10 लाख रुपए लो, इससे वर्किंग कैपिटल मैनेज करो। इनिशियली मैंने 10 लाख रुपए दिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ये भी मेरा आउटफ्लो है, ठीक है। तो दो आउटफ्लो होते हैं हमेशा, बस ये दो ही होंगे जनरली, जनरल केस में। इसके अलावा एग्जाम में कुछ मिले तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, पर जनरली ये मिलेंगे। इसके अलावा इनफ्लो देखो, इनफ्लो दो टाइम पे होंगे, एक तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट और एक एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो ड्यूरिंग द लाइफ जो मिलेंगे उन्हें हम FCFF बोलेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म। वो क्या मिलेंगे, ड्यूरिंग द लाइफ अमेरिका में प्रोजेक्ट लगाया, सेल्स करेंगे, इनकम आएगी, एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट, वो सब हम लेस कर देंगे। EBDIT आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, EBIT आएगा। क्या इंटरेस्ट लेस करना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो निकालते हैं तो इंटरेस्ट लेस नहीं करते। इसके पीछे का लॉजिक ऑलरेडी मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के रिविजन वीडियो में बताया है। चलिए EBIT में से डायरेक्टली आप क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे EBIT के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें कैश फ्लो चाहिए तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, इसे ऐड बैक कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द लाइफ हमारी वर्किंग कैपिटल भी चेंज हो सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ हमारी क्या हो सकती है, वर्किंग कैपिटल चेंज हो सकती है। मैंने वर्किंग कैपिटल में सपोज 1 लाख रुपए और दिए फर्स्ट ईयर में, तो वो मैं लेस करूंगा, या फिर 1 लाख रुपए निकाल लिए तो ऐड बैक कर लूंगा, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऐड या लेस होगा। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स या फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म। इसके अलावा देखो, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और ड्यूरिंग द लाइफ, वो भी एडलेस हो जाएगा, जो अपन ने वहाँ देखा था। यहाँ मैंने डिटेल में उस चीज़ को लिखा नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो ऑलरेडी अपन सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद देखो, एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट में क्या कैश फ्लो होंगे हमारे, एक तो देखो जो मैंने प्रोजेक्ट लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था फर्नीचर में, मशीनरी में, बिल्डिंग में, जो भी मैंने आइटम लगाए थे, एट द 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट बंद करना है। बस मुझे, मैंने डिसाइड किया 5 साल लगाना है, 5 साल बाद बंद करना है। 5 साल हो गए, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो सब ऐसे छोड़ के आ जाऊँगा क्या, बोलूँगा कि हे अमेरिका वालों तुम ये दान में रख लो, ऐसा नहीं है। उन सबको मैं कबाड़ में बेच के आऊँगा, एटलीस्ट कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो कबाड़ में तो बेच के जाऊँगा। तो किसी भी कबाड़ में भी बेचूंगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। तो वो साल्वेज वैल्यू मुझे मिलेगी। तो ये साल्वेज वैल्यू मान लो मुझे 10 लाख रुपये मिली, तो ये क्या मेरी पूरी की पूरी मेरे पास ही आएगी? नहीं सर, इनकम टैक्स भी लगेगा। साल्वेज वैल्यू मिली, जीरो टाइम पे आपने खरीदा था, तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना इसके ऊपर, आपने कैपिटल प्रॉपर्टी को, कैपिटल असेट को बेचा है, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो साल्वेज वैल्यू में से जो भी कैपिटल गेन टैक्स आपको बताया हुआ वो लेस कर दो, आप नेट टैक्स, नेट ऑफ टैक्स आपको लेनी है साल्वेज वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मैंने जो वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट में आज के दिन लगाई हुई है, जो भी लगी हुई है अभी तक की, वो सारी वापस निकाल लूँगा। वर्किंग कैपिटल भी मेरी रिलीज होगी ना, वो भी वापस निकल जाएगी। ये मेरे टोटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो ऐसे फॉलो करता है। ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकालना हमारा जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर है ना, वहाँ पे भी काम में आते हैं, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन चैप्टर में भी और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में भी कैलकुलेशन होती है कैश इनफ्लो आउटफ्लो की। वहाँ पर भी सेम ये चीज़ देखने को मिलेंगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ये सब होंगे। बट वहाँ पर एंड ऑफ लाइफ पर है ना, कभी भी वर्किंग कैपिटल रिलीज नहीं करी जाती। कभी भी ICAI के क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल रिलीज नहीं करता ICAI, बट इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आएगा तो एंड ऑफ लाइफ में वर्किंग कैपिटल रिलीज करता ICAI। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई टीचर बोलते हैं गलत है, बट वो गलत नहीं है, लॉजिकली होता है। यहाँ पे क्या डिसीजन ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट 5 साल लगा रहे हैं, बस फिर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा तो भाई जो भी पैसा सब निकालेंगे ना वापस। पर मर्जर एक्विजिशन या कैपिटल बजट कॉरपोरेट वैल्यूएशन में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस की वैल्यू पता कर रहे हैं 5 साल का डेटा यूज़ में लेके। तो भाई बिजनेस तो हम हमेशा ये मानते हैं जिंदगी भर चलेगा, बट डेटा मेरे पास इतना है तो वर्किंग कैपिटल क्यों रिलीज करूँगा। बिजनेस में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि बिजनेस बंद हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक है, वो तो चलता रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिलीज नहीं करते मर्जर एक्विजिशन या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, बट कैपिटल बजटिंग में रिलीज करते हैं वर्किंग कैपिटल लास्ट में। उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। कैश फ्लो में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी संक कॉस्ट या हिस्ट्रिकल कॉस्ट कंसिडर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने वाला हूँ, ठीक है, तो आज मुझे कैश फ्लो चेक करने हैं, लेकिन आज से पहले मैंने 5 लाख रुपये रिसर्च में खर्च कर दिए थे, क्या वो मैं कंसिडर करूँ? मत करो। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो भी वो 5 लाख काम के नहीं, और प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दोगे तो भी वो काम के नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका। मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दूंगा तो वो 5 लाख वापस आ जाएंगे क्या मेरे पास? नहीं आएंगे ना। तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट कभी भी कंसीडर नहीं करनी। इसके बाद अलोकेटेड ओवरहेड कंसीडर नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस है, अमेरिका में प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे मेरे साल का 50 लाख का खर्चा आता है, तो मैंने बोला कि अमेरिका में जैसे प्रोजेक्ट लगा देंगे ना तो जो 50 लाख का खर्चा है वो हम बैलेंस P&L स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे कि इंडिया की यूनिट का 30 लाख है और अमेरिकन यूनिट में 20 लाख अलोकेट कर देंगे। मुझे ये बताओ ये खर्चा पहले से एग्जिस्ट करता था क्या? बिल्कुल करता था। अमेरिकन यूनिट का इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं है, बस वहाँ तो सिर्फ अलोकेट किया जा रहा है। तो अलोकेटेड ओवरहेड कभी भी कंसिडर नहीं करने हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कंसिडर करनी है कैश फ्लो कैलकुलेट करते वक्त। सर ऐसा क्यों? समझो इसके पीछे लॉजिक। मेरे पास एक मशीन है, मैं एक नई मशीन खरीदने की सोच रहा हूँ, तो वो मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। पुरानी मशीन से मुझे रेवेन्यू आता है 1 लाख, नई मशीन से रेवेन्यू आएगा 3 लाख। बताओ नई मशीन से फ़ायदा कितना हुआ? सर 3 लाख का। गलत जवाब, 2 लाख का। पुरानी मशीन भी तो 1 लाख कमा के दे रही है, नई मशीन 3 लाख कमा के देगी तो 2 लाख ही तो एक्स्ट्रा कमा के दे रही है। तो नई मशीन में 1 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है जो पुरानी मशीन कमा कर दे रही थी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको हमेशा कंसीडर करनी होती है। ये हो गए आपके सारे कैश फ्लो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो भी लगाओगे उसमें, एक तो कैश फ्लो चाहिए, वो अपन ने निकालना सीख लिया। दूसरी चीज़ ये डिस्काउंटिंग रेट, वो कैसे निकलेगी? कैश फ्लो अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया? पूरे प्रोजेक्ट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्काउंटिंग रेट भी पूरी फर्म प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, यानी इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों की मिलकर जो डिस्काउंटिंग रेट आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO, वो हम निकालेंगे। KO कैसे निकालते हैं? इंटरमीडिएट में बहुत बार आपने सीखा है WE × KE + WP × KB + WD × KD, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों की कॉस्ट ले लो, उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। KE कैसे निकलती है? RF + β RM − RF। KP कैसे निकलती है? प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। KD इंटरेस्ट 1 − टैक्स रेट। चलिए इसके बाद डिस्काउंटिंग रेट आपको हमेशा रिस्क एडजस्टेड लेनी पड़ेगी। रिस्क एडजस्टेड का क्या मतलब है? देखो मैं मेरा पैसा एक तो बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, और दूसरा मैं मेरा पैसा रिलायंस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं, बताओ फ़र्क है क्या? कुछ मेरे पास 1 लाख रुपये, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? बैंक में मुझे 4% रिटर्न मिलेगी, रिलायंस कंपनी के शेयर में मुझे 20% रिटर्न मिल सकती है, कंफर्म नहीं है ना, मिल सकती है। तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मैं बोलूँगा यार रिलायंस के शेयर में करूँ, वहाँ 20% है या 4% है। पर एक चीज़ है रिस्क फैक्टर, बैंक में रिस्क एक तरीके से 0 है, लेकिन रिलायंस कि शेयर मार्केट में रिस्क हो सकता है 10% हो, वहाँ अगर मार्केट डूबा है तो पूरा पैसा डूब सकता है, ठीक है। यानी हर प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करते हो ना, हर प्रोजेक्ट की अपनी एक अलग रिस्क होती है। तो आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो ना, उसमें जितनी रिस्क है वो भी आपको डिस्काउंटिंग रेट में एडजस्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक इक्वेशन दी गई कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आप कैसे निकालोगे। उसके लिए इक्वेशन मिली कहाँ से? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट करके एक इफेक्ट है जो कि आपको फॉरेक्स चैप्टर में दिया हुआ है, जो कि मैं वहाँ ना पढ़ा करके यहाँ पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब मैंने फॉरेक्स चैप्टर पढ़ाया, उन्होंने मॉड्यूल से कंपेयर किया, बोला कि सर आपने इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। मैंने बोला कि भाई ये इस चैप्टर में काम ही नहीं आएगा, यहाँ बता भी दूंगा इसका कोई रोल नहीं है, ये जिस चैप्टर में काम में आएगा वहाँ मैं अपने आप ही बता दूंगा। तो वो काम में आता है यहाँ पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। मैंने बोला ना इस चैप्टर में फॉरेक्स का रोल आता है, ये फॉरेक्स का रोल आ गया। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ने बोला कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट निकालनी है ना, उसकी सिंपल सी इक्वेशन है 1 + रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट = 1 + रिस्क फ्री रेट × 1 + रिस्क प्रीमियम। इस इक्वेशन में डेटा डाल दो आपकी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे होता है, वो सब अपन फुल लेक्चर्स में देखते हैं, उस पर अपन डिस्कशन नहीं करने वाले यहाँ पर। चलिए इसके बाद इस चैप्टर में एक और चीज़ आपके काम में आएगी, छोटा सा टॉपिक जो अपन ने पोर्टफोलियो चैप्टर में देखा, बीटा लीवर्ड और अनलीवर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो बीटा लीवर्ड कैसे निकलता है? बीटा अनलीवर्ड × 1 + debt − 1 − t / equity, ठीक है। और बीटा अनलीवर्ड निकालेंगे तो बीटा लीवर डिवाइडेड बाय 1 + debt − 1 − t / equity। ये क्वेश्चन आपके काम में आ सकती है इस चैप्टर में बीटा वगैरह निकालने के लिए। बीटा कहाँ निकालने की जरूरत पड़ सकती है? देखो बीटा की जरूरत कहाँ आती है? KE में। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है बीटा नहीं दे रखा हो, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो ये क्वेश्चन आपके काम में आ सकती है, एक दो क्वेश्चन में काम में भी आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करवाया। मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ ना मेन लेक्चर्स में, तब भी ये बोलता हूँ कि ये चैप्टर कुछ है नहीं अलग से, ये चैप्टर बाकी सभी चैप्टर्स का मिक्स है। इसमें कैपिटल बजटिंग मिक्स कर दो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन मिक्स कर दो, पोर्टफोलियो के टॉपिक्स मिक्स
मिक्स कर दो, फोरेक्स के टॉपिक्स मिक्स कर दो, ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसलिए मोस्टली टीचर तो इसको पढ़ाते ही नहीं है, बट मैंने इसको वहाँ पे भी फुल डिटेल में पढ़ाया है और यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल में रिविजन करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका अलग ही वेटेज है एग्जाम में। जरूरी है, अपने को हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद इस चैप्टर का स्पेसिफिक टॉपिक जो इस चैप्टर के लिए पढ़ना है वो है इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग। ये एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग क्या होता है, देखो अब इस टॉपिक को पहले समझो, फिर अपन इसका कंक्लूजन निकालेंगे इस टॉपिक में अपन क्या सीखने वाले हैं। देखो कैश फ्लो दो तरीके के हो सकते हैं, एक रियल वैल्यू कैश फ्लो, एक नॉमिनल कैश फ्लो। ये पहली बार आपको सीखने को मिला होगा अगर पहली बार ये चैप्टर सुन रहे हो तो। रियल वैल्यू कैश फ्लो, नॉमिनल वैल्यू कैश फ्लो। नॉमिनल कैश फ्लो को हम मनी कैश फ्लो भी बोल सकते हैं, नॉमिनल कैश फ्लो को हम मनी कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। देखो हम प्रोजेक्ट को जब भी एस्टिमेट करते हैं, प्रोजेक्ट से कितना कितना कैश फ्लो मिलेगा अगले 5 साल तक, तो वो हम एस्टिमेट करते हैं। तो आप देखो ना, मार्केट में इन्फ्लेशन भी होगा। मैंने कैश फ्लो बताया इस प्रोजेक्ट से मुझे अगले 5 सालों तक हर साल 1 लाख का इन्फ्लो मिलेगा, लेकिन मैंने बोला मैंने इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं किया इन कैश फ्लो के अंदर, तो ये कौन से कैश फ्लो गए, रियल कैश फ्लो। लेकिन मैंने बोला इस प्रोजेक्ट से हर साल मुझे 1 लाख का कैश फ्लो मिलेगा और मैंने इन्फ्लेशन को कंसीडर कर लिया है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन कोई लैपटॉप आपको मार्केट में 50,000 का मिल रहा है, आप पिछले 1 साल पहले जाके देखो, 1 साल पहले वही लैपटॉप हो सकता है आपको मार्केट में 45,000 का मिल रहा हूँ। यही तो इन्फ्लेशन है, यही इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो दोनों तरीके के कैश फ्लो हो सकते हैं। अब हमें कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो ही तो एस्टिमेट करने हैं, तो सर मैं मनी नॉमिनल कैश फ्लो पता करूँ कि रियल कैश फ्लो? मुझे कैपिटल बजटिंग करने के लिए जो कैश फ्लो चाहिए वो नॉमिनल पता करने पड़ेंगे कि रियल? यही कंसेप्ट है, इसको समझो, अभी डिटेल में भी अपन बात कर लेंगे इसके लिए। तो देखो आपको अगर रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो पता करने हो तो कैसे करोगे, क्वेश्चन में रियल कैश फ्लो दे रखे और आपको चाहिए नॉमिनल कैश फ्लो, तो आप कैसे कर सकते हो, रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दो, तो रियल कैश फ्लो ऑफ टाइम टी मल्टीप्लाई बाय 1+ इन्फ्लेशन रेट पावर टी, तो नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा टाइम टी का। और अगर रियल कैश फ्लो करना हो तो इक्वेशन को इधर ट्रांसफर कर दो, रियल कैश फ्लो टाइम टी इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो ऑफ टाइम टी डिवाइडेड बाय 1+ इन्फ्लेशन रेट की पावर टी। मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 4 ईयर है रियल कैश फ्लो है 100, 250, 300, 400, इन्फ्लेशन फैक्टर है 10% मेरी इन्फ्लेशन रेट है, तो क्या करूँ, नॉमिनल कैश फ्लो निकालना है तो रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1+ इन्फ्लेशन रेट की पावर टी। तो फर्स्ट ईयर का कैसे आएगा, रियल कैश फ्लो 100, 1+ इन्फ्लेशन रेट कितनी है 10%, तो 1.10 हो गया, पावर टी कितनी आ गई 1, तो फर्स्ट ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबका मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर। इसके बाद देखो, जैसे कैश फ्लो रियल और नॉमिनल होते हैं ऐसे ही डिस्काउंटिंग रेट भी रियल और नॉमिनल होती है। डिस्काउंटिंग रेट भी रियल और नॉमिनल हो सकती है, एक विदाउट इन्फ्लेशन इफेक्ट कंसिडर करे हुए रियल रेट, और जिस डिस्काउंटिंग रेट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसिडर्ड है वो नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। तो सर यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी गई है रियल रेट से नॉमिनल रेट पता करने की और नॉमिनल रेट से रियल रेट पता करने की, जिस इक्वेशन का नाम है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। वही चीज़ है सेम जो अभी अपन ने देखी थी, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है, वाकई में ये इक्वेशन दी थी एग्जैक्टली, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट की इक्वेशन तो उससे डिराइव करी हुई है। मेन इक्वेशन जो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में दी गई ना वो ये दी गई थी कि 1+ नॉमिनल रेट 1+ रियल रेट मल्टीप्लाई बाय 1+ इन्फ्लेशन रेट के बराबर होती है। तो अब आपको इक्वेशन में अगर रियल रेट दे रखी हो, इन्फ्लेशन रेट दे रखी हो, तो नॉमिनल रेट पता कर सकते हो। नॉमिनल रेट और इन्फ्लेशन रेट दे रखी हो तो आप रियल रेट पता कर सकते हो इस इक्वेशन में डालकर, और नॉमिनल रेट और रियल रेट दे रखे हो, आपसे इन्फ्लेशन रेट पूछे हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन आपका, जो भी आपको डेटा चाहिए वो निकाल लोगे। तो सर ये टॉपिक आपने पढ़ा तो दिया, इस टॉपिक का कंक्लूजन बताओ इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग का, ये 4th नंबर जो टॉपिक अपन ने पढ़ा कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से यह कैपिटल बजटिंग में कहां काम में आएगा। तो सर कहां काम में आएगा वो समझो, अब मान लो क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो रियल दे रखे, तो आपको अगर उनका पीवी करना है तो डिस्काउंटिंग रेट भी आपके पास रियल होनी चाहिए। अगर आप रियल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो गलत है। और अगर कैश फ्लो नॉमिनल दे रखे हैं तो उनको डिस्काउंट भी किसे करना है, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से। बस ये रेलिवेंस है इस टॉपिक की। अगर आप रियल कैश फ्लो को रियल डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लेते हो और नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लेते हो, तो ये दोनों आपस में हमेशा बराबर आएंगे। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। रियल कैश फ्लो को रियल डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लो, नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लो, ये आपस में बराबर आएंगे। पीवी होने के बाद ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको रियल कैश फ्लो को नॉमिनल रेट से पीवी नहीं कर देना और ना ही नॉमिनल कैश फ्लो को रियल रेट से पीवी करना, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में रियल कैश फ्लो दे रखे हैं बट डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल दे रखी है, तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की इक्वेशन में डाल दो रियल डिस्काउंटिंग रेट पता कर लो, पीवी कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कैश फ्लो को नॉमिनल में कन्वर्ट कर लो और फिर नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लो, ये आपके ऊपर है पूरा का पूरा डिसीजन। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ सर, रियल है कैश फ्लो या डिस्काउंटिंग रेट रियल है कि नॉमिनल है, तो आपको अज्यूम करना है कि कैश फ्लो डिस्काउंटिंग रेट अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो नॉमिनल है, ये अजम्पशन जल्दी है आईसीआई की। चलिए आगे, इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग में फोरेक्स का क्या रोल आएगा, वही तो हमें देखना है इस चैप्टर में। मैंने बोला फोरेक्स का रोल आएगा, वो क्या आएगा। देखो इंडिया वाले अमेरिका में पैसा लगाएंगे, सिंपल सी बात है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है फॉरेन करेंसी में भी हो। तो अब आपको क्या देखना है, कैपिटल बजटिंग में जब भी आप पीवी वगैरह कर रहे हो तो कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट दोनों चीज़ें सेम करेंसी की होनी चाहिए। यानी मैं अमेरिका में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ,
मैंने इनफ्लो आउटफ्लो जितने भी कैश फ्लो हैं वो सब तो डॉलर में ले लिए, पर डिस्काउंटिंग रेट इंडिया की ले ली, क्या सही है गलत है? यार कैश फ्लो तुम्हारे डॉलर के हैं और डिस्काउंटिंग रेट तुम इंडिया वाली लगा रहे हो, कैसे काम चलेगा? या फिर कैश फ्लो मान लो मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करके रुपीज़ में ले लिए, लेकिन जो डिस्काउंटिंग रेट है वो मैंने अमेरिका की ले ली, अब कैसे काम चलेगा? कैश फ्लो तो रुपी करेंसी में और डिस्काउंटिंग रेट अमेरिका की है, वो भी नहीं होगा। तो कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट दोनों सेम करेंसी के होने चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, अगर कैश फ्लो डिफरेंट करेंसी के है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट इंडिया की दे रखी है, कैश फ्लो डॉलर में दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर की कैश फ्लो को रुपी में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे करूँगा, फॉरेक्स चैप्टर में एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है ना, एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, उनके बेस पे मैं कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, फॉरेक्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सचेंज रेट देखो अब हमें चाहिए होगी, एक्सचेंज रेट सर क्वेश्चन में गिवन होगी ना, होगी, बट सर कैश फ्लो जो होंगे वो फ्यूचर के होंगे, नेक्स्ट वन ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के, सर उन दिनों की एक्सचेंज रेट जरूरी थोड़ी ना अवेलेबल हो आज के दिन मेरे पास, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो आज के दिन की अवेलेबल होगी, नेक्स्ट ईयर क्या एक्सचेंज रेट होगी वो मुझे क्या पता। तो सर कैश फ्लो भी तो आपने एस्टिमेट करें, वैसे ही एक्सचेंज रेट भी आप एस्टिमेट कर लो। तो एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो थियरीज होती हैं जो अपन ने फॉरेक्स में पढ़ी है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियोरी जिसे IRP थियोरी बोलते हैं, दूसरी PPP थियोरी जिसे परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी बोलते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉरवर्ड रेट ऑफ टाइम टी डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इज इक्वल्स टू 1+ इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी की पावर टी डिवाइडेड बाय 1+ इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी की पावर टी। और पीपीपी थियरी में क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट की जगह क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन रेट, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, और बेस करेंसी कौन सी करेंसी होती है, वो वाली करेंसी जिसके लिए फॉरवर्ड रेट आपको निकालनी हो, वो वाली करेंसी जिसके लिए फॉरवर्ड रेट निकालनी हो उसे आपको बेस करेंसी मानना है। ये इस तरीके से आप एक्सचेंज रेट फ्यूचर की आप एस्टिमेट कर सकते हो, उसको अप्लाई करके आप फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो को कन्वर्ट कर लो जिस करेंसी की आपको डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है, और फिर आप PV कर लो, क्योंकि हमें कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट दोनों सेम करेंसी की होनी चाहिए। अगर कैश फ्लो अलग करेंसी का और डिस्काउंटिंग रेट अलग करेंसी की है, अलग कंट्री की है, तो उनका PV करोगे तो गलत अमाउंट आएगा और वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब सर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको बोल दिया जाए डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, कुछ नहीं बोला, मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, ऐसा बोल देगा कि ए लिमिटेड इज़ एन इंडियन कंपनी एंड ही इज शोइंग इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट इन अमेरिका एंड डिस्काउंटिंग रेट इज 10%। ठीक है, इतना बोल दिया डिस्काउंटिंग रेट 10%, अब ये नहीं बताया डिस्काउंटिंग रेट 10% इंडिया की है कि अमेरिका की है, तो क्या अजम्पशन लोगे जब भी कुछ ना बोला हुआ हो। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को ये क्वेरीज रहती है, मैंने बार बार इस चीज़ को लेक्चर्स में भी रिवाइज करवाया था कि अजम्पशन चलती है बहुत सारी ऐसी है कि वह मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट्स आधे स्टूडेंट्स और टेलीग्राम ग्रुप पे यही मैसेज चल रहे थे कि यहाँ पे क्या अजम्पशन लेनी है, क्या लेनी है, क्या लेनी है। तो इसके लिए फिक्स अजम्पशन होती है कि कुछ नहीं बोला हुआ होता तो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखनी है कि इन्वेस्टर कहाँ का है। यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कहाँ का है, इंडिया का है, यानी ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है ना 10%, ये भी कहाँ की दे रखी है, इंडिया की दे रखी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया डिस्काउंटिंग रेट कहाँ की दे रखी थी इस क्वेश्चन में, इंडिया की। अब कैश फ्लो अगर डॉलर में दे रखे होंगे तो उनको इंडिया में कन्वर्ट कर लेना, फिर PV कर लेना, और अगर कैश फ्लो रुपीज़ में दे रखे हैं तो डायरेक्टली PV हो ही जाएंगे। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और मैं पढ़ा देता हूँ, जो कि मैंने एडिशनल टॉपिक पढ़ाया था मेरे फुल कोर्स लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया था एग्जाम से पहले, और एग्जाम में फॉर्चुनेटली इस पर क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, जबकि ये वाला टॉपिक ICAI ने अपने मॉड्यूल तक में भी नहीं डाल रखा। ICAI की बहुत बड़ी गलती है कि SFM में जो पिछले 2 पेपर दिए ना, इनमें शायद नवंबर के पेपर में इन्होंने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पूछ लिया इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में, जो कि मॉड्यूल में टॉपिक तक भी नहीं है, और जनवरी के एग्जाम में एक ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया था कंपलसरी में, जो भी इनके मॉड्यूल में नहीं है। तो ये टॉपिक मैंने फिर भी पढ़ाया था क्योंकि ये टॉपिक पर मुझे लगता था क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये कैपिटल बजटिंग के एक एडिशनल टॉपिक लेक्चर्स में पढ़ाया था, और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आ गया था नवंबर अटेम्प्ट के अंदर ही। ठीक है, जबकि मॉड्यूल में अभी तक ICAI ने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा है। तो इस टॉपिक को समझ लो, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू APV। ये क्या होती है, आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो प्रोजेक्ट के लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी प्रोजेक्ट के लेते हैं। बट अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है, आप ये देखो, अगर प्रोजेक्ट में सिर्फ इक्विटी का पैसा लगा हो, आप अज्यूम करो बस प्रोजेक्ट में पैसा मान लो इक्विटी डेट सबका लगा है, लेकिन आप अज्यूम करो अगर सिर्फ इक्विटी का पैसा लगा होता प्रोजेक्ट में तो इसकी वैल्यू क्या होती। यानी अब आपको क्या करना है, जो कैश फ्लो निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालने हैं, FCFE, जो कि मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में आपको पढ़ा रखे है, वो FCFE आप निकाल लो, और अब इनका PV करो। कौन सी रेट से करोगे, डिस्काउंटिंग रेट भी अब किसकी लोगे, सिर्फ इक्विटी की, KE। PV भी किससे होगा, कैश फ्लो किसके, इक्विटी के, तो PV भी किससे करोगे, KE। सिंपल सा है, सबसे पहले आप ये अज्यूम करो कि सिर्फ इक्विटी का पैसा लगा होता तो क्या कैश फ्लो होते, उनको PV करो इक्विटी की डिस्काउंटिंग रेट से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू में अब आप क्या करो, ऐड कर दो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ठीक है, क्योंकि डेट का भी पैसा लगा है तो इंटरेस्ट का खर्चा होगा, जिस पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो इंटरेस्ट की जो टैक्स शील्ड है
उसका आपको पीवी करना है, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट की टैक्स शील्ड मिलेगी उसका पीवी करना है। किस रेट से? प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट से। जो भी इंटरेस्ट रेट है ना वो प्री टैक्स लेनी है, उससे पीवी करके इसमें ऐड कर दो, आपकी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। वही प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो नॉर्मली आती है, बट एक अलग मेथड से। यहाँ पे पहले अपन ने देखा कि इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन अजम्पशन लेके चले तो क्या वैल्यू आ रही है और टोटल फिर वैल्यू क्या आएगी इसमें अगर ये ऐड कर दोगे, क्योंकि फ्री कैश फ्लो फ्रॉम दी फर्म पॉइंट ऑफ व्यू में हम एडिशनल क्या करते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट ही तो लेस नहीं करते क्योंकि उसकी टैक्स शील्ड का बेनिफिट ले लेते हैं। और सर टैक्स शील्ड का बेनिफिट कहाँ कैसे मिलता है? केओ याद करो, केओ में जो केडी अपन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट 1- टैक्स रेट कर देते हैं, ठीक है, तो टैक्स शील्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाती है अपने पास डिस्काउंटिंग रेट के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे अपन ने दो पार्ट्स में कैलकुलेशन कर दी। तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का जो पीवी किया वो प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट से क्यों किया, उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। देखो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड ऑलरेडी अपन ने निकाल ली, टैक्स शील्ड ही तो निकाली है, तो अब टैक्स रेट का कोई इंपॉर्टेंस बची है क्या? टैक्स रेट की इंपॉर्टेंस बची नहीं है, तो प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट लेंगे। केडी में वहाँ पर जब केओ हम निकाल रहे थे तो केडी में 1- टैक्स रेट क्यों किया था, यहाँ पे देखो ये और बता देता हूँ फटाफट से। केडी में 1- टैक्स रेट क्यों किया था? सर यहाँ पे टैक्स शील्ड का हमने बेनिफिट लिया ही कहाँ था, हमने तो इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं किया था। अब टैक्स शील्ड का बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट में अपने 1- टैक्स रेट करके इसको एडजस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है। इनके अलावा इस चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, सारे कंसेप्ट मैंने लिखवा दिए हैं आपको, यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं, ये सारे कंसेप्ट पढ़ लो अच्छे से, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो वो, अदरवाइज SMPM RTP MTP के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी चैप्टर्स का भी मैं जल्दी से रिविजन बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।